भारत माता की। उत्तराखंड के लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री भाई पुष्कर सिंह धामी जी, केंद्रीय मंत्री श्री अजय भट्ट जी, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, राज्य भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, उत्तराखंड सरकार के मंत्री, सभी सांसद, विधायक, अन्य महानुभाव और देवभूमि के मेरे प्यारे परिवारजनों, आप सभी को प्रणाम। आज तो उत्तराखंड ने कमाल कर दिए जी। शायद ऐसा दृश्य देखने का सौभाग्य शायद ही पहले किसी को मिला हो। आज सुबह से मैं उत्तराखंड में जहां गया, अद्भुत प्यार, अपार आशीर्वाद, ऐसा लग रहा था जैसे स्नेह की गंगा बह रही है। आध्यात्म और अप्रतिम शौर्य की इस धरा का मैं वंदन करता हूं वीर माताओं को, विशेष रूप से वंदन करता हूं। जब बद्रीनाथ धाम में जय बद्री विशाल का उद्घोष होता है तो गढ़वाल राइफल्स के वीरों का जोश बढ़ जाता है। जब गंगोली हाट के कालिका मंदिर की घंटियां जय महाकाली के जयकारों से गूंजती है तो कुमाऊं रेजिमेंट के वीरों में अदम्य साहस का संचार होने लगता है। यहां मानसखंड में बागेश्वर, बैजनाथ, नंदा देवी, गोलू देवता, पूर्णागिरी, कसार देवी, कैची धाम, कटारमल, नाना कमता, रीठा साहिब, अनगिनत देव स्थलों की श्रृंखला का वैभव हमारे पास बहुत बड़ी विरासत है। राष्ट्र रक्षा और आस्था की इस तीर्थ भूमि पर मैं जब जब आया हूं, जब भी आपका स्मरण किया है, मैं धन्य हो जाता हूं। मेरे परिवारजनों, यहां आने से पहले मुझे पार्वती कुंड और जोगेश्वर धाम में पूजा अर्चना करने का सौभाग्य मिला। मैंने हर देशवासी के अच्छे स्वास्थ्य और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने के लिए और मेरे उत्तराखंड के सारे सपने, सारे संकल्प पूरे हो, इसलिए आशीर्वाद मांगा है। कुछ ही देर पहले मेरी मुलाकात हमारी सीमा के प्रहरियों, हमारे जवानों के साथ भी हुई है।
मुझे स्थानीय कला और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हमारे सभी बहनें भाई उनसे भी मिलने का मौका मिला। यानी भारत की संस्कृति, भारत की सुरक्षा, भारत की समृद्धि से जुड़े हुए इन तीनों स्वरूप में इस प्रकार से मेरी ये नए प्रकार की यात्रा भी जुड़ गई। सभी के दर्शन एक साथ हो गए। उत्तराखंड का ये सामर्थ्य अद्भुत है, अतुलनीय है। इसलिए मेरा विश्वास है और ये विश्वास मैंने बाबा केदार के चरणों में बैठ करके व्यक्त किया था। मेरा विश्वास है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है और आज मैं आदि कैलाश के चरणों में बैठ करके आया हूं। मेरे उत्साह को फिर एक बार दोहराता हूं, उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाई पर पहुंच, आप लोगों का जीवन आसान हो इसके लिए हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से, पूरे समर्पण भाव से और एक ही लक्ष्य लेकर के आज काम कर रही है। अभी यहां 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। एक ही कार्यक्रम में 4,000 करोड़ रुपए, मेरे उत्तराखंड के भाई बहन आप कल्पना कर सकते हैं। मैं आप सभी को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, मेरे लिए ना तो ये रास्ते नए हैं और न ही आप सभी साथी नए हैं। उत्तराखंड में अपनेपन की अनुभूति हमेशा मेरे साथ रहती है और मैं देखता हूं कि आप भी अपनेपन के उसी हक के साथ, उसी आत्मीयता से मुझसे जुड़े रहते हैं। अनेक साथी उत्तराखंड के दूर सुदूर गांव के भी मुझे चिट्ठी लिखते हैं। हर अच्छे बुरे वक्त पर साथ खड़े रहते हैं। परिवार में कोई नए मेहमान का जन्म हुआ हो तो भी मुझे खबर भेजते हैं। बेटी पढ़ाई में कहीं आगे बढ़ी हो तो भी चिट्ठी लिखते हैं। यानी जैसे पूरे उत्तराखंड परिवार का मैं एक सदस्य हूं, वैसे उत्तराखंड मुझसे जुड़ गया है। देश जब कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करता है तब भी आप खुशी साझा करते हैं। कुछ सुधार की गुंजाइश अगर कहीं दिखती है तो वो भी आप मुझे बताने में कभी पीछे नहीं रहते। हाल ही में देश ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें
आरक्षित करने का बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। 30-30, 40-40 साल से लटका हुआ काम माताओं बहनों आपके आशीर्वाद से ये आपका भाई ये आपका बेटा कर पाया है। और मजा देखिए, उस दौरान भी मुझे यहां की बहनों ने बहुत सारी चिट्ठियां भेजी है। मेरे परिवारजनों, आप सभी के आशीर्वाद से आज भारत विकास की नई बुलंदी की तरफ बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में भारत और भारतीयों का गौरवगान हो रहा है, हो रहा है ना? पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है ना? एक समय था चारों तरफ निराशा का माहौल था, पूरा देश जैसे मानो निराशा में डूब गया था। तब हम लोग हर मंदिर में जाकर यही कामना करते थे कि भारत जल्द से जल्द मुश्किलों से बाहर निकले। हर भारतीय सोचता था कि हजारों करोड़ के घोटालों से देश को मुक्ति मिले। सबकी कामना थी कि भारत का यश बढ़े। आप देखिए, चुनौतियों से घिरी दुनिया में दुनिया का हाल आप देख रहे हैं। चुनौतियों से घिरी दुनिया में भारत की आवाज कितनी बुलंद होती जा रही है। अभी कुछ सप्ताह पहले ही G20 का इतना बड़ा शानदार आयोजन हुआ, उसमें भी आपने देखा कि कैसे दुनिया ने हम भारतीयों का लोहा माना है। आप मुझे बताइए, जब दुनिया भारत का गौरवगान करती है, जब दुनिया में भारत का डंका बजता है, आप बताएंगे, जवाब देंगे? मैं पूछूं, जवाब देंगे? जब दुनिया में भारत का नाम ऊंचा होता है, आपको अच्छा लगता है? पूरी ताकत से बताइए, आपको अच्छा लगता है? जब भारत दुनिया को दिशा दिखाता है तो आपको अच्छा लगता है? ये सब किसने किया है? ये मोदी ने नहीं किया है, ये सब कुछ आप मेरे परिवारजनों ने किया है। इसका यश आप सब जनता जनार्दन को जाता है। क्यों? याद रखिए क्यों? क्योंकि आपने 30 साल के बाद दिल्ली में स्थिर और मजबूत सरकार बनाकर मुझे आपकी सेवा करने का मौका दिया। आपके वोट की ताकत है। जब मैं दुनिया के बड़े बड़े लोगों से हाथ मिलाता हूं ना, आपने देखा होगा, अच्छे अच्छों से हो रहा है मामला, लेकिन जब मैं हाथ मिलाता हूं ना, तो बराबर आंख भी मिलाता हूं। और जब मेरी तरफ वो देखते हैं ना, तो मुझे नहीं देखते हैं,
140 करोड़ हिंदुस्तानियों को देखते हैं। मेरे परिवारजनों, दूर सुदूर पहाड़ों पर देश के कोने कोने में जो लोग रहते हैं, हमने उनकी भी चिंता की। इसलिए सिर्फ 5 वर्ष में ही देश में 13.5 करोड़ गरीबी से बाहर आए, 13.5 करोड़ लोग। ये आंकड़ा याद रखोगे, आंकड़ा याद रखोगे, कितने कितने 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर 5 साल में आना, ये अपने आप में दुनिया अचरज कर रही है। ये 13.5 करोड़ लोग कौन है? इनमें से बहुत सारे लोग आपकी तरह ही पहाड़ों में रहने वाले हैं, सुदूर इलाकों में रहते हैं। ये 13.5 करोड़ लोग इस बात का उदाहरण है कि भारत अपनी गरीबी मिटा सकता है। साथियों, पहले नारा दिया जाता था गरीबी हटाओ, मतलब आप हटाओ, उन्होंने कह दिया गरीबी हटाओ। मोदी कह रहा है हम मिलकर के गरीबी हटा के रहेंगे। हम ओनरशिप लेते हैं, जिम्मेवारी लेते हैं और जी जान से जुट जाते हैं। आज हर क्षेत्र, हर मैदान में हमारा तिरंगा ऊंचे से ऊंचा लहरा रहा है। हमारा चंद्रयान जहां पहुंचा है, जहां दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच पाया। और भारत ने जहां अपना चंद्रयान गया है, उस स्थान को नाम दिया है शिव शक्ति। मेरे उत्तराखंड के लोग, ये शिव शक्ति की विचार से आप खुश है कि नहीं है? आपका मन आनंदित हो गया कि नहीं हो गया? यानी वहां भी मेरे उत्तराखंड की पहचान पहुंच गई। शिव और शक्ति का ये योग क्या मतलब होता है, ये हमें उत्तराखंड में सिखाने की जरूरत नहीं, यहां तो डगर डगर पर साक्षात दिखता है। साथियों, स्पेस में ही नहीं, स्पोर्ट्स में भी भारत का दम आज दुनिया देख रही है। हाल में एशियाई खेल समाप्त हुए हैं, इसमें भारत ने इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहली बार भारत के खिलाड़ियों ने सेंचुरी लगाई, 100 से ज्यादा मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। और आप जरा जोर से ताली बजाना, एशियन गेम्स में उत्तराखंड के भी 8 बेटे बेटियां अपना दम खम दिखाने गए थे। और इसमें हमारे लक्ष्य सेन की टीम ने भी मेडल जीता और वंदना कटारिया की हॉकी टीम ने भी शानदार मेडल देश को दिया है। एक काम करेंगे, ये उत्तराखंड के बच्चों ने कमाल की है, एक काम करेंगे अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए,
मोबाइल निकाल करके उसके फ्लैश चालू करिए और उन सबको ये खिलाड़ियों का अभिनंदन कीजिए, अपना फ्लैश लाइट करके सब अपना मोबाइल फोन निकाल के फ्लैश लाइट करके शाबाश। ये हमारे उत्तराखंड के बच्चों का अभिवादन है, हमारे खिलाड़ियों का अभिवादन है। मैं फिर से एक बार देवभूमि के मेरे इन युवा बेटे बेटियों को, इन खिलाड़ियों को फिर से अपनी बधाई देता हूं। और आपने भी आज एक नया रंग भर दिया। साथियों बैठिए, बहुत आभारी हूं मैं आपका। भारत के खिलाड़ी देश दुनिया में अपना परचम लहराए, इसके लिए सरकार खिलाड़ियों की पूरी मदद कर रही है। खिलाड़ियों के खाने पीने से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग तक सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। ये तो सही है, लेकिन एक उल्टा भी चल रहा है। सरकार तो कर रही है, लेकिन लक्ष्य का जो परिवार है ना, और लक्ष्य जो है वो मुझे हमेशा जब विजयी होता है तो आपकी बाल मिठाई लेकर के आता है। खिलाड़ियों को बहुत दूर नहीं जाना पड़े, इसके लिए सरकार जगह जगह खेल के मैदान भी बनवा रही है। आज ही हल्द्वानी में हॉकी ग्राउंड और रुद्रपुर में वेलोड्रोम स्टेडियम का भी शिलान्यास हुआ है। मेरे नौजवानों ताली बजाइए, आपका काम हो रहा है। इसका लाभ मेरे उत्तराखंड के युवाओं को मिलेगा। मैं धामी जी और उनकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दूंगा, जो राष्ट्रीय खेलों की तैयारी में पूरे जोश से जुटी हुई है। बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई। मेरे परिवारजनों, उत्तराखंड के हर गांव में देश के रक्षक हैं। यहां की वीर माताओं ने वीर पुत्रों को जन्म दिया है, जो मेरे देश की रक्षा कर रहे हैं। वन रैंक वन पेंशन की उनकी दशकों पुरानी मांग को हमारी ही सरकार ने पूरा किया। अब तक वन रैंक वन पेंशन के तहत 70,000 करोड़ रुपए, उससे भी ज्यादा हमारी सरकार ने पूर्व सैनिकों को दिए हैं। इसका लाभ उत्तराखंड के भी 75,000 से ज्यादा पूर्व सैनिकों के परिवारों को मिला है। हमारी सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता बॉर्डर एरियाज में विकास की भी है। आज बॉर्डर एरियाज में सुविधाओं का निर्माण बहुत तेज गति से हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आपकी क्या गलती थी, ये काम पहले की सरकारों ने क्यों नहीं किया। गलती आपकी नहीं थी, पहले की सरकारों ने इस डर से बॉर्डर एरिया का विकास नहीं किया कि कहीं दुश्मन इसका फायदा उठाकर अंदर ना आ जाए। बताइए क्या तर्क देते थे। आज का नया भारत पहले की सरकारों की डरी हुई सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। न हम डरते हैं न हम डराते हैं। भारत की पूरी सीमा, उस पर हम
आधुनिक सड़कें बना रहे हैं, सुरंगें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं। बीते 9 वर्षों में सिर्फ बॉर्डर एरियाज में ही 4,200 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कें बनाई गई है। हमने बॉर्डर के किनारे करीब 250 बड़े पुल और 22 सुरंगें भी बनाई हैं। आज भी इस कार्यक्रम में अनेक नए पुलों के लिए शिलान्यास हुआ है। अब तो हम बॉर्डर तक ट्रेनों को भी लेकर आने की तैयारी कर रहे हैं। इस बदली हुई सोच का लाभ उत्तराखंड को भी मिलने जा रहा है। मेरे परिवारजनों, पहले सीमावर्ती क्षेत्रों को, सीमावर्ती गांवों को देश का अंतिम गांव माना जाता था। जो अंतिम है, विकास के मामले में उसका नंबर भी आखिर में ही आता था। ये भी एक पुरानी सोच थी। हमने सीमावर्ती गांवों को अंतिम नहीं बल्कि देश के पहले गांव के रूप में विकसित करना शुरू किया। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत ऐसे ही सीमावर्ती गांवों का विकास किया जा रहा है। हमारी कोशिश यही है कि यहां से जो लोग पलायन करके गए हैं वो फिर लौट के आ जाएं। हम चाहते हैं इन गांवों में पर्यटन बढ़े, तीर्थ यात्रा का विस्तार हो। मेरे परिवारजनों, एक पुरानी कहावत है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। मैंने संकल्प लिया है कि मैं इस अवधारणा को भी बदल कर रखूंगा। आपने भी देखा है कि अतीत की गलत नीतियों के कारण उत्तराखंड के अनेक गांव वीरान हो गए। सड़क, बिजली, पानी, पढ़ाई, दवाई, कमाई, हर चीज का अभाव, और उस अभाव के कारण लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। अब स्थितियां बदल रही है। जैसे जैसे उत्तराखंड में नए अवसर बन रहे हैं, नई सुविधाएं बन रही है, वैसे वैसे अनेक साथी गांव लौटने लगे हैं। डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि गांव वापसी का यह काम तेजी से हो, इसलिए इन सड़कों पर, बिजली के प्रोजेक्ट्स पर, अस्पतालों पर, स्कूल कॉलेजों पर, मोबाइल फोन के टावर पर इतना बड़ा निवेश किया जा रहा है। आज भी यहां इनसे जुड़े हुए कई प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। यहां सेब के बागान और फल सब्जियों के लिए बहुत संभावनाएं हैं। अब जब यहां सड़कें बन रही हैं, पानी पहुंच रहा है, तो मेरे किसान भाई बहन भी प्रोत्साहित हो रहे हैं। आज जो पॉली हाउस बनाने और सेब के बाग विकसित करने की योजना भी शुरू हुई है, इन योजनाओं पर 1100 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। इतना सारा पैसा उत्तराखंड के हमारे छोटे छोटे किसानों का जीवन बेहतर बनाने के लिए खर्च किया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत भी उत्तराखंड के किसानों को अब तक 2,200 करोड़ रुपए अधिक मिल चुके हैं। साथियों, यहां तो मोटा अनाज श्री अन्न भी अनेक पीढ़ियों से उगाया जाता है। मैं जब आपके बीच में रहा करता था, बहुत समय काटा है आपके बीच में, तब घर घर में मोटा अनाज भी खूब खाया जाता था।
अब केंद्र सरकार इस मोटे अनाज को, श्री अन्न को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना चाहती है। इसके लिए देश भर में एक अभियान शुरू किया गया है। इनका भी बहुत बड़ा फायदा हमारे उत्तराखंड के छोटे किसानों को मिलने जा रहा है। मेरे परिवारजनों, हमारी सरकार माताओं बहनों की हर मुश्किल, हर असुविधा को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए हमारी सरकार ने गरीब बहनों को पक्का घर दिया, हमने बहनों बेटियों को शौचालय बनाकर दिया, गैस कनेक्शन दिए, बैंक में खाता खुलवाया, मुफ्त इलाज जो किया, मुफ्त राशन आज भी चल रहा है ताकि गरीब का घर का चूल्हा जलता रहे। हर घर जल योजना के तहत उत्तराखंड में 11 लाख परिवारों की बहनों को पाइप से पानी की सुविधा मिल रही है। अब बहनों के लिए एक और काम किया जा रहा है। इस साल लाल किले से मैंने महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन देने की घोषणा की है। ड्रोन के माध्यम से खेतों में दवा, खाद, बीज ऐसे अनेक काम किए जा सकेंगे। अब तो ऐसे ड्रोन भी बनाए जा रहे हैं कि फल सब्जियों को निकट की सब्जी मंडी तक पहुंचा सके। पहाड़ में ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी भी तेजी से करा सके। यानी महिला स्वयं सहायता समूहों को मिलने वाले ये ड्रोन उत्तराखंड को आधुनिकता की नई ऊंचाई पर ले जाने वाले। मेरे परिवारजनों, उत्तराखंड के तो गांव गांव में गंगा है, गंगोत्री है। यहाँ के हिम शिखरों में शिवजी और नंदा विराजते हैं। उत्तराखंड के मेले कौथिक, थौल, गीत संगीत, खान पान अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। पांडव नृत्य, छोलिया नृत्य, मांगल गीत, फुलदेई, हरेला, बगवाल और रम्माण जैसे सांस्कृतिक आयोजन से ये धरती समृद्ध है। लोक जीवन के स्वाद रोट, अरसे, जंगोरे की खीर, कफली, पकोड़े, रायता, अल्मोड़ा की बाल मिठाई, सिंगोरी, इनका स्वाद कौन भूल सकता है। और ये जो काली गंगा की भूमि है, उस भूमि से तो मेरा नाता भी बहुत रहा है। यहाँ चंपावत स्थित अद्वैत आश्रम भी, उससे भी मेरा गहरा संबंध रहा है। वो मेरी जिंदगी का एक कालखंड था। मेरी कितनी ही यादें यहाँ के इंच इंच जमीन पर पड़ी हुई है। इस बार बहुत इच्छा थी कि मैं इस दैवीय परिसर ज्यादा समय बिताऊं, लेकिन कल दिल्ली में G20 से जुड़ा एक और बड़ा सम्मेलन है। सारी दुनिया के पार्लियामेंट के जो स्पीकर है G20 के, उनका एक बहुत बड़ा समिट है। और इस वजह से मैं अद्वैत आश्रम चंपावत नहीं जा पा रहा हूं। मेरी ईश्वर से कामना है कि मुझे जल्द ही इस आश्रम में आने का फिर एक बार मौका मिले। मेरे परिवारजनों, उत्तराखंड में पर्यटन और तीर्थ यात्रा के विकास से जुड़े डबल इंजन सरकार के प्रयास अब रंग ला रहे हैं। इस वर्ष उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 50 लाख के आसपास पहुंच रही है। सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। बाबा केदार के आशीर्वाद से केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण से जुड़ा पहला चरण पूरा हो चुका है। श्री बद्रीनाथ धाम में भी
सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत से अनेक काम हो रहे हैं। केदारनाथ धाम और श्री हेमकुंड साहब में रोपवे का भी काम पूरा होते ही दिव्यांग और बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को बहुत सुविधा होने वाली है। हमारी सरकार केदारखंड के साथ साथ, और मैं आज इसलिए आया हूं, मुझे मानस खंड को भी उस ऊंचाई पर ले जाना है। केदारखंड और मानस खंड की कनेक्टिविटी पर भी हम बहुत बल दे रहे हैं। जो लोग केदारनाथ बद्रीनाथ धाम जाते हैं वे जोगेश्वर धाम, आदि कैलाश और ओम पर्वत भी आसानी से आ सके, ये प्रयास किया जा रहा है। आज जो ये मानसखंड मंदिर माला मिशन शुरू हुआ है, उससे भी कुमाऊं के अनेक मंदिरों तक आना जाना आसान होगा। मेरा अनुभव कहता है कि जो लोग बद्रीनाथ और केदारनाथ आते हैं वे भविष्य में इस और जरूर आएंगे। उनको इसी क्षेत्र का पता नहीं है, और आज जरूर वीडियो जब टीवी पर देखेंगे ना, ये मोदी चक्कर काट के आया है, आप देख लेना, हर एक को करेगा यार कुत्तो होगा। और आप तैयारी करो, यात्रियों की संख्या बढ़ने वाली है, मेरा मानस खंड धम धम होने वाला है। साथियों, उत्तराखंड की बढ़ती हुई कनेक्टिविटी यहां के विकास को नई ऊंचाई पर ले जाने वाली है। चार धाम महापरियोजना से, ऑल वेदर रोड से आपको बहुत सुविधा हुई है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पूरी होने के बाद तो पूरे क्षेत्र का कायाकल्प हो जाएगा। इस पूरे क्षेत्र में उड़ान योजना के तहत सस्ती हवाई सेवाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। आज ही यहां बागेश्वर से कनाली चीना तक, गंगोली हाट से अल्मोड़ा तक और टनकपुर घाट से पिथौरागढ़ तक की सड़कों का काम शुरू हुआ है। इससे सामान्य जन को सुविधा के साथ साथ पर्यटन से कमाई के अवसर भी बढ़ेंगे। मुझे खुशी है कि यहां की सरकार होम स्टे को प्रोत्साहन दे रही है। पर्यटन तो एक ऐसा सेक्टर है जहां सबसे अधिक रोजगार है और कम से कम पूंजी लगती है। आने वाले समय में तो टूरिज्म सेक्टर का बहुत अधिक विस्तार होने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया आज भारत आना चाहती है, भारत को देखना चाहती है, भारत को जानना चाहती है। और जो भारत को देखना चाहता है वो उत्तराखंड आए बिना भारत को देखना उसका पूरा नहीं हो सकता। मेरे परिवारजनों, बीते समय में उत्तराखंड जिस तरह प्राकृतिक आपदाओं से घिरा रहा है, उससे भी मैं भली भांति परिचित हूं। हमने अपने बहुत से स्वजन खोए हैं। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को हमें बेहतर करते रहना ही है, और हम करते रहेंगे। इसके लिए आने वाले 4-5 सालों में उत्तराखंड में 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उत्तराखंड में ऐसी सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा जिससे आपदा की स्थिति में राहत और बचाव का काम तेजी से हो सके। मेरे परिवारजनों, ये भारत का अमृत काल है। ये अमृत काल देश के हर क्षेत्र, हर वर्ग को सुविधा, सम्मान और समृद्धि से जोड़ने का काल है। मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा केदार और बद्री विशाल के आशीर्वाद से, आदि कैलाश के आशीर्वाद से हम अपने संकल्पों को तेजी से सिद्ध कर पाएंगे। एक बार फिर इतना प्यार देने के लिए, 7 किलोमीटर, मैं सचमुच में
मेरे पास वर्णन करने के लिए शब्द नहीं है। मैं हेलीकॉप्टर से निकला, 7 किलोमीटर यहां आया और आने में भी देर इसलिए हुई, 7 किलोमीटर दोनों तरफ वो ह्यूमन चेन नहीं थी, ह्यूमन वॉल थी। ऐसी भीड़ लगी थी और जैसे परिवार में कोई अवसर हो वैसे उत्सव के कपड़े पहनकर, शुभ प्रसंग के कपड़े पहन करके मंगल वातावरण में माताओं के हाथ में आरती, फूलों के गुलदस्ते, आशीर्वाद देने से वे रुकते नहीं थे। ये मेरे लिए बड़ी भावुक क्षण थी। मैं आज पिथौरागढ़ को और पिथौरागढ़ जिले के सब लोगों को इस पूरे खंड को, मेरा मानस खंड, उसने आज जो प्यार बरसाया, उत्साह दिखाया है, मैं शत शत नमन करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए, दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के प्रति कोटिशः कृतज्ञता हम ज्ञापित करते हैं कि अपना स्नेह आशीर्वाद आपने हम पर बरसाकर हमें धन्य किया है।